तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है प्रोडक्ट कंपनी का ये कीबोर्ड और ये काम नहीं कर रहा है, ये गिर गया था कहीं से या फिर मतलब वैसे ही रखे रखे काम नहीं कर रहा। तो इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं अपनी पीसी के साथ। तो मैं यूएसबी पोर्ट में यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, आपको यहां पे दिखाता हूं। यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पे कनेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, कोई एक मैं पेज ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चला गया न्यू पे, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना होगा और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये देखो कुछ भी टाइप कर लूँ, मैं कुछ भी कैसे भी करके टाइप कर लूँ, चाहे मैं दोनों हाथों से खेल लूँ या दोनों हाथ ऐसे कर लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ, ऐसे ऐसे कुछ भी कर लूँ, ये काम नहीं कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं, और जबकि ये कनेक्टेड है पूरी तरीके से। तो इस तरह से अगर आपके कीबोर्ड के साथ हो जाता है तो इसके चांसेज होते हैं कुछ सही होने के। तो वो तरीके क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और इसमें बिल्कुल ही कम समय लगता है। अगर आपका कीबोर्ड ब्रांडेड हुआ तो बहुत ही कम समय में और आसानी से कर पाएंगे, और क्या इशू होती है, क्या समस्या होती है, उसके बारे में तो बात उसी समय कर लूँगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के लिए अगर आपके पास टूल बॉक्स इस तरह का होगा तो इस तरह के टूल बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और जो ये नट्स होते हैं इसको आपको केयरफुली ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद एक ही ध्यान रखिएगा कि इस साइड से आपको नहीं उठाना, इस साइड से उठाओगे तो ये बटन जो होंगे ना वो गिर जाएंगे, क्योंकि सभी कीबोर्ड में ये बटन एक साथ अटैच नहीं होते हैं। तो हो सकता है आपका बटन गिर जाए और इसके अंदर जो प्लास्टिक होता है छोटा सा वो भी गिर जाए, तो आपको अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत होगा। इस वजह से बताऊँगा कि आप कीबोर्ड को हमेशा उल्टा कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद बैक पैनल को निकाल दूंगा और इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों कीबोर्ड को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहाँ पे ये वायर है आप देख सकते हैं, और इसके एक एंड में आपको यहाँ पे एक छोटा सा मदरबोर्ड मिल जाता है जिसके द्वारा ये कीबोर्ड ऑपरेट होता है। ओके, अब इस मदरबोर्ड में एक तरफ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कनेक्शंस, जो कि आपका जो ये वाला सीट दिख रहा है इसके साथ ये कनेक्ट होता है, और इसमें आपको तीन लेयर मिलते हैं, जैसे कि एक होता है टॉप का और एक बॉटम का होता है और एक बीच का होता है, बीच वाला इसको सेपरेट करता है। और ये जो कीबोर्ड होता है इसके ख़राब होने की चार वजह हो सकती है, जो भी चीज़ें होगी मैं यहाँ पर क्लियर बताऊँगा। हो सकता है कि इसमें पानी, ऑयल या फिर कुछ भी करके इसमें लिक्विड इंसर्ट हो गया हो, दूसरा हो सकता है कि इसमें धूल मिट्टी आ गया हो, और तीसरा हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो चिप है वो ख़राब हो गया, और चौथा हो सकता है कि जो आपका ये पैनल है, ये जो सीट है, इसके साथ आपका जो मदरबोर्ड है वो कनेक्ट होता है। तो जब आप कीबोर्ड को पटक देते हो या फिर उसको गिरा देते हो तो उसमें स्क्रू ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो इसके साथ अटैच नहीं हो पाता है। देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही थिन वायरिंग किया गया है, और ये पहले सीट की है, और ये सीट दूसरे सीट के साथ कनेक्ट हो जाता है, और दोनों सीट एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तब जाके इस पे इस सर्स की तरफ से इस पे आपका जो मदरबोर्ड है वो चिपकाया जाता है। और मदरबोर्ड जब चिपकता है तो मदरबोर्ड के थ्रू आपके सीपीयू से यूएसबी के थ्रू इसके अंदर करंट फ्लो होता है, यानी कि प्रोग्राम यहाँ पे इनपुट होता है और फिर यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे चिपका के दिखाता हूँ इस तरह से। और जब आप इसको फिट करोगे तो स्क्रू ढीला होने की वजह से भी आपका कीबोर्ड काम नहीं करता है। वैसे तो कीबोर्ड में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, और कोई भी ऐसा कीबोर्ड नहीं होता जो खराब होने के बाद सही ना हो सके, अगर आप चाहो तो। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो ये प्लास्टिक देख रहे हो एक्चुअली में ये टच के लिए काम करते हैं, यानी कि दो पैनल जो हैं इनके बीच में जाके जब आप प्रेस करोगे तो वो यहाँ से कमांड जाएगा कंप्यूटर को। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, और एडजस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे जो चिप है पहले मैं चिप को लगा देता हूँ, और इसके बाद इसके ऊपर मैं पैनल को रख दूँगा। ओके, और पैनल और चिप में जो यहाँ पे कनेक्शन है, अब किसी किसी में होता है कि वायर के द्वारा कनेक्शन होता है, जैसे महंगे कीबोर्ड जो होते हैं, और लेकिन ये सस्ता वाला कीबोर्ड है तो इसमें इसी तरह से चिपकता है ये। ओके, तो आप जब सेट करते हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ये जो पैनल है इसमें जो दो सीटें हैं चिपकी हुई वो आपस में कनेक्टेड हों, और साथ में जो आपका यहाँ पे छोटा सा एक बोर्ड है इसके साथ ये अटैच होना चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर से जो इसका बैक है वो आपको डाल देना है, और स्क्रू यहाँ पे डाल देना है, और स्क्रू डालने के बाद अच्छी तरह से इसको फिट कर देना है। और फिट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड को वापस से कहीं नहीं गिराना है, क्योंकि गिराओगे तो आपने देख लिया कि क्या हो सकता है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से फिट कर देता हूँ, और फिट करने के बाद यहाँ पे मैं जब इसको तैयार करूँगा तो आई होप कि ये काम करे, और नहीं कर रहा है तो आपको वापस से यही चीज़ करना है।
और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपके कीबोर्ड में लाइट जा रही है, मतलब आपका जो चिप है और जो मदरबोर्ड है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं कीबोर्ड को मैंने पैक कर दिया है, और आपको बता दूं कि जैसे कि अगर ये कोई अच्छी कंपनी का कीबोर्ड होता या महंगा कीबोर्ड होता तो इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा काफ़ी होते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने प्लग किया, इसके बाद तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट डॉक्यूमेंट ले लिया है, इससे पता चल जाएगा कि काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्यू प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर रहा हूँ, और आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ठीक है, क्यू देख सकते हैं, क्यू मेरा टाइप हो गया है। अब मैं स्पेस देना चाहता हूँ, ये देखिए ये स्पेस का बटन है, आपको दिखाना चाहता हूँ साथ में। तो स्पेस देना चाहता हूँ, ये देखिए स्पेस। और इसके साथ ही जैसे कि आप इस तरह से कोई टाइपिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों किसी किसी केस में हो सकता है कि ये काम ना करता हो, तो काम ना करता हो तो समझ लेना कि अगर वो सस्ता वाला कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड ही चेंज कर लीजिएगा, उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छी कंपनी का कीबोर्ड है जैसे कि डेल का, एचपी का, तो आप उसके सर्विस सेंटर में ले जाके सही करा लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।